तो लो जी, आज भिड़ गई मैं किचन क्लीनिंग में। एक्चुअली क्लीन है बट सामान मिसमैनेज है, इधर उधर रखा हुआ है, तो वो सब रखना था। और वो सब रखने के बाद फिर बहुत सारे घर के काम करने के बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गई। सोकर उठी तो मम्मी को लेने जाना था। नीचे आई हूँ मैं मीका को लेने। आज मीका दूसरे गेट से आई ना भैया। ओके, मीका भी आ गई है और अब हम ना चाय और नाश्ता कर लेते हैं। तो हो गई किचन क्लीन। बहुत देर लगी मुझे किचन क्लीन करने में आज एक्चुअली। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। और मैं रोज़ का एक नया अपना क्रिएशन दिखाती हूँ अपना, तो ये आज मैंने बनाया। और ये वाले जो मोती है ना, ये रियल पर्ल है। ये तो जो बीड्स होते हैं ये ग्लास बीड्स होते हैं, और ये वाले मेरे पास रखे हुए थे ऑलरेडी रियल पर्ल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी में यूज़ कर लूँ। तो ये मैंने डिज़ाइन देखी थी, आप देखना है इधर, मैंने कहीं इधर की इधर जिधर भी मैं लगाऊंगी एग्जैक्टली वैसे देख के बनाई है। तो कोई ये ना बोले कि ये क्या बना दिया, क्योंकि मेरी बेटी भी इसको ठीक कर रही थी, मम्मा आपने ये ऐसे कैसे बनाया, इसको ऐसे करो ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा ऐसे नहीं बनाया, ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ वाला डिज़ाइन है। तो ये हाफ हाफ वाला डिज़ाइन है, बताऊंगी कैसा उन्होंने बनाया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा देख के। सोच रही हूँ इस बार की आज इधर पाव भाजी बनाती हूँ। पाव भाजी इज़ ऑल्सो हेल्दी, बट वो पाव जो है बेकार चीज़। क्रॉस 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 थोड़ा सा ना काम करते करते एक काम की बात कर लेती हूँ उससे। काम की बात ये कि मैंने और मीका ने अभी चैलेंज लिया कि अब ना हम शैम्पू वॉश नहीं करेंगे हेयर। 2 महीने हो गए हमने शैम्पू से वॉश ही नहीं करे हमारे बाल, और जस्ट कि कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे बालों में, ना हेयर कलर और ना ही हीट जो स्ट्रेट करती है बालों को या कर्ल करने के लिए, ठीक है कुछ भी नहीं। और मीका के थोड़ी सी डैंड्रफ थी वो ठीक हो गई है, उससे क्लियर हो गया उसका सारा स्कैल्प। मेरा भी मतलब फ़र्क ये दिखाई दिया हमको कि शायद ये कि शैम्पू करने के बाद ना ड्राइनेस हो जाती थी, जो ये पैक लगाने के बाद नहीं होती, क्योंकि हमने अगर शैम्पू नहीं लगाया तो कुछ तो लगाया होगा ना स्कैल्प ने। तो मेन रीज़न ये है कि अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपके स्कैल्प को क्लीन रखना शुरू कर दो। तो मैंने उसी फंडा के ऊपर पिछले 2 महीने से मैं काम कर रही हूँ कि स्कैल्प क्लीन रखनी है, स्कैल्प क्लीन रखनी है, स्कैल्प क्लीन रखनी है। शैम्पू से वॉश करने के बाद अगेन ड्राई हो जाती है, तो वो दिक्कत है, फिर ऑयल लगाओ फिर डर्ट आती है। तो इट्स बेटर कि आप ना आधा घंटा वो एक पैक बना के और अपने बालों में लगा लो हर 2 दिन बाद, तो इससे बाल भी क्लीन हो जाते हैं और नरिश भी हो जाते हैं। अब देखो 40 साल से जो मैंने बालों की बारह बजाई है वो सिर्फ 2 महीने में तो ठीक नहीं होंगे, तो हेयर फॉल तो हो ही रहा, बट मेरे बालों का टेक्स्चर थोड़ा बहुत सुधरा। बहुत फ्रिजी हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रिजी। तो मैंने क्या किया, रेठा आंवला शिका करके थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ पानी में, उसमें थोड़ा राइस फ्लावर डाल देती हूँ, एलोवेरा और इतना सा ऑयल, सरसों का कोकोनट नहीं, सरसों का ऑयल और क्या थोड़ा सा शहद, हाँ और नींबू, ये सब मिला के अपने बालों में लगाती हूँ। और फिर 45 मिनट्स बाद जब बाल धो लेती हूँ तो ऐसे बाल हो जाते हैं एकदम क्लीन। और क्योंकि इसमें मैंने ऑयल भी डाला है और एलोवेरा भी डाला है और थोड़ा सा ये नींबू डाला है, तो रूखापन नहीं आता बालों में। तो हमने 2 महीने से यही कर रहे हैं, हम लोगों ने शैम्पू को हाथ नहीं लगाया, एंड आई होप कि आगे भी यही कंटिन्यू करें। तो रीज़न ये है कि यार ये केमिकल ना बहुत डैमेज करते हैं बालों को, चाहे कोई सा भी शैम्पू ले लो। और कोई भी शैम्पू ये बोलता है कि ये ना इससे बाल आपके गिरेंगे नहीं, इससे डैंड्रफ नहीं आएगा, कुछ नहीं होता यार, कोई कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये 2 महीने से कर रही हूँ ना, नवरात्रों से पहले शुरू किया था मैंने, दिवाली निकल गई बताओ है ना, और शैम्पू को हाथ भी लगाया हमने और कितने अच्छे वाले लोगों को लगता है कि ना रीठा वाला शिका का ये दादा दानी के नुस्खे सब बेकार है, चलो जाओ केराटिन स्मूथनिंग करा लो, चलो ये फलाना ढिमकाना करा लो, कुछ नहीं होता, खराब ही होते हैं बाद में बाल। फिर डैमेज कंट्रोल कराओ वो डैमेज भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास तो कि डैमेज कंट्रोल भी करवाऊँ, फिर ये 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं डैमेज कंट्रोल में। तो डैमेज कंट्रोल घर पर ही करते रहो। और मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, मतलब अगर कोई मेरे को फॉलो भी करता है तो कि कुछ प्रॉब्लम है तो जाओ डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है, हर बार ये नुस्खे काम नहीं आते। प्रॉब्लम है तो पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा ना, जब ट्रीट हो जाएगी उसके बाद आप ये करो, है ना। बाकी अब घर का काम कर लेते हैं। एक अच्छी बात थी तो मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक चैलेंज मैंने और मीका ने लिया था जो हमने पूरा किया, और अब इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं लाइफ लॉन्ग, कोशिश तो यही है, देखते हैं कब तक करते हैं, है ना, जब तक होगा तब तक अच्छा है, अच्छी चीज़ है। बस ये चाय वाय हमारी हो गई, मेरी बेटी को कुछ भी अच्छा खिला दो, छोड़ ही देती है कैसे भी करके, थोड़ा बहुत ही खाती है। कप मैं धो देती हूँ, अरे आजकल कप मैंने ही धोना शुरू कर दिया कि कम से कम 6 महीना तो मैं धो लूँ ताकि टूटे ना उसके बाद फिर बोर हो जाएंगे ना, फिर
डाल दिया करूंगी। अरे यार कप पता है, ये वाले कप हम लेकर आए, ये 60 रुपीज का एक कप है, एंड मुझे जो पसंद आ रहे थे वो होम सेंटर पे, वो होम टाउन पे जो भी है नाम उसका, यार 400-400 के एक कप। ओ भाई क्या जी, एक कप टूट गया तो मेरी तो जान ही हलक में अटक जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा सस्ते वाले कप ले लो, ठीक है ना। एक तो इतने महंगे कप आते हैं और फिर उनको धो भी नहीं, अभी इनको भी नहीं धो रही हूँ, पर थोड़े दिन ही धोगी इनको, तो मैं फिर तो मैं डाल दिया करूँगी होता हूँ। मेरे लिए आलू बड़ा बना दू छोटा सा, खाएगी? हाँ ठीक है, बना दूंगी आलू की सब्जी बच्चों के लिए थोड़ी सी, तो उसको आलू बड़ा बना के दे देती हूँ, उसको भूख लग रही है, बोल रही कब से कि टेस्टी बना के दो टेस्टी बना के दो। यार मेरे तो दिमाग में ही नहीं आता टेस्टी आइटम, अब सिर्फ हेल्दी आइटम आते हैं। अभी स्प्राउट्स लाऊंगी मैं, वो तो मैं लकी हूँ कि मेरी बेटी को पसंद है स्प्राउट्स, अनार ये सब चीज़ें, नखरे नहीं करती खाने में, शांति से खा लेती है। और मैं सोच रही हूँ सीधा करके थोड़ा सा दो आलू दो बड़े बना देती हूँ। ये सारी कॉफ़ी यहाँ कैसे आई, क्यों तुझे पता है मीका तो सारी कॉफी पी चुकी है? हाँ मुझे पता नहीं चल रही कॉफी खत्म हो गई, इतने सारे पाउच रखे थे सब खत्म, नहीं सारी खत्म हो गई है, पूरा पैकेट वो डब्बा भरा हुआ था वो खत्म हो गया, मैंने आज चेक किया भाई, रोज ही कॉफी इसको दिख जाती, कॉफी पी जाती है, चाय नहीं पीती और कॉफी भी नहीं, कॉफी का बीट। हाँ क्या, अरे बट यू डोंट रियलाइज मीका, तुझे पता नहीं चलता ये कॉफी मैं लाई थी अपने लिए कि मैं वर्कआउट से पहले पीऊंगी, जो कि मैं तो हूं ही, अब तो तेरा ही हो गया, अब क्या बचा ही क्या उसमें, और कॉफी कोई अच्छी चीज नहीं है जो तो इतना बीट 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 करके पी जाती है, खा जाती है एक्चुअली, कॉफी शक्कर गर्म पानी मिलाकर उसको बीट करती रहती है, फिर वो बीट खाती रहती है। अभी तो कॉफी नहीं बना रही मैं, अभी तो तेरे लिए आलू बड़ा बना रही हूँ, अभी कोई कॉफी पीता है, शाम को कोई कॉफी नहीं पीता, तीन तो तू स्कूल से आई थी तब बज रहे थे, नहीं नहीं तो अभी आलू बड़ा बना रही हूँ ना, आलू बड़ा खा लो, अच्छा ही बना रही हूँ आलू बड़ा, अच्छा ही होता है ना बनाने पर, सॉस से खाएगी अच्छा ही लगेगा वो। मैं एक्चुअली ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा तली वाली चीज़ें नहीं बनाती ना, इसलिए उसको लगता रहता है मम्मी तो ना बनाती नहीं है, फिर जिस दिन बनाती हूँ उस दिन नहीं खाती। अभी आजकल के बच्चों ने खीर और ये हलवे ये सब तो खाने ही बंद करते हैं, तो खाते ही नहीं है वो लोग, तो फिर घर में ऐसे क्या ऑप्शन होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि आटे का हलवा बना दो, बेसन का तो अगर मुझे नहीं आता तो आई विल ट्राई ना, अगर वो खाए तो, सूजी का भी नहीं खाती है, तो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं खानी है, मीठे में खाना मम्मा आइसक्रीम खिला दो, मीठे में खाने मम्मा खिला दो, तो ये सब चीजें तो ना प्रोहिबिटेड है भाई, रोज नहीं मिलेगी। ओके तो अगेन इस पूरे सेट को मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत प्यारा लग रहा है, और अब इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, बाप से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, आज का दिन मेरा अच्छा गुजरा। ओके तो अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स अ रिचुअल।